हेलो फ्रेंड्स, अपना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं कुंदरू की बिल्कुल न्यू रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि इतना टेस्टी बनेगा कि इसका स्वाद सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुंदरू की न्यू रेसिपी। तो फ्रेंड्स देखिए, कुंदरू को मैं पहले से ही अच्छे से धो करके रख ली हूँ और इसका सारा पानी निथाड़ करके कुंदरू को ड्राई कर ली हूँ। आधा कच्चा नारियल लेंगे और दो टमाटर। तो सबसे पहले हम लोग कुंदरू को इस तरह से हाथों में लेंगे और चाकू की हेल्प से कुंदरू का दोनों साइड इस तरह से कट करके साइड में रख देंगे और कुंदरू को बीच से इस तरह से फाड़ लेंगे। तो कुंदरू को पूरा नहीं फाड़ना है, देखिए इस तरह से ही फाड़ना है। तो इसी तरह से एक एक करके हम लोग सारे कुंदरू को फाड़ लेंगे बीच से। तो फ्रेंड्स, एक कुंदरू की न्यू रेसिपी ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम लोग सारे कुंदरू को कट कर लेंगे और बीच से फाड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कुंदरू को हम कट कर लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा जो नारियल का टुकड़ा है उसको हम लोग चाकू के हेल्प से निकाल लेंगे और कड़क वाला जो पार्ट है उसको फेंक देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे नारियल को निकाल लिए हैं। अब इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो इस तरह से चाकू के हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। तो देखिए, सारे नारियल को हम कट कर लिए हैं। अब मिक्सर ग्राइंडर के जार में रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नारियल का पेस्ट रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए, बाउल में निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, दो टमाटर जो था उसको हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं और एक प्याज लिए हैं, प्याज को भी चार टुकड़ों में कट कर लिए हैं, दो हरी मिर्च। अब इन सारे चीज़ों को मिक्सर ग्राइंडर के जार में रखेंगे। और पीस करके पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज टमाटर हरी मिर्च पीस चुकी है। चूल्हे पे कढ़ाई रख देंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें दो बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और तेल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें हम लोग जो कुंदरू को काट करके रखे थे बीच से फाड़ करके उसको डालेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर कुंदरू को इस तरह से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग कुंदरू को ढक करके फ्राई करेंगे ताकि कुंदरू पकेगा भी और अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा। तो ढक्कन हटा हटा करके बार बार इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुंदरू अच्छे से फ्राई हो गया है, ये देखिए, और पक भी गया है। तो अब इसको हम लोग एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कुंदरू अच्छे से फ्राई हो गया है। अब उसी बचे हुए तेल में एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर हल्का सा जीरा को फ्राई कर लेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे प्याज टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट जो हम लोग पीस के रखे थे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही 5 से 7 मिनट तक मसालों को भूनेंगे और लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, मसाले अच्छे से भून चुके हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए कुंदरू और पीसे हुए नारियल का पेस्ट। अब कुंदरू और नारियल के पेस्ट को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और एक मिनट तक लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और एक मिनट तक भूनेंगे नारियल के पेस्ट और कुंदरू को भी। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट हो चुके हैं, नारियल के पेस्ट और कुंदरू अच्छे से मसालों में भून चुके हैं। तो अब इसमें ऐड करेंगे एक छोटी कटोरी पानी और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। तो इस तरह से ऊपर से डाल दें और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर ढक करके 5 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे और ये देखिए हमारे कुंदरू की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी रेडी है और बहुत ही इजी है बनाना। तो इस तरह से ट्राई ज़रूर करें, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आएगा। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।